समय हमारे मध्य उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी को हमारे मार्गदर्शन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जो कुंद के पुष्प के समान श्वेत वर्ण की है, जो हिम राशि के समान श्वेत वर्ण की है, जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की है, ऐसी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस जगत के आधार के स्वरूप उस ब्रह्म का वाचक ओंकार, उसको प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर हम सबका जीवन चल रहा है, जिसके अन्न और जल और वायु से हम सबके नित्य नैमित्तिक कार्य चल रहे हैं, ऐसे उस पूज्य भारत माता को नमन। इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य बंधु बहने और आप सभी भैयाओं और बहनों, राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 1887 इसके साथ अन्य गणितज्ञों की भी चर्चा हुई है, आर्यभट्ट की बात की है, शायद ब्रह्मगुप्त की बात नहीं की गई। लेकिन भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो सारे विश्व में अनूठी है। इस गणित दिवस के अवसर पर आपके भैया बहनों के माध्यम से जो यहां कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए बहुत सराहनीय है, और जो बैठक थी उसका आपने परिणाम भी जान लिया होगा। हम सबके ज्ञानवर्धन के लिए, हम सबकी बुद्धि के विकास के लिए तो गणित का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आपने माइंड की साइंस को समझा हो, मस्तिष्क के विज्ञान को समझा हो, वैसे तो कई भाग होते हैं, लेकिन मस्तिष्क के यदि समान रूप से देखे जाए तो दो भाग होते हैं, जिसको हम बायां या दायां कह सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट माइंड कह सकते हैं। दोनों हिस्सों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के विकास में। यदि दायां मस्तिष्क काम करेगा और बायां नहीं करेगा तो व्यक्ति एबनॉर्मल हो जाएगा। यदि उसका अनुपात भी लगभग बहुत ज्यादा अंतर का होगा तो भी व्यक्ति एबनॉर्मल हो जाएगा। सामान्य का जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर देखा गया है कि 10 और 20 के बीच का अंतर रहता है। अगर लेफ्ट माइंड उसका 40 चलता है और राइट 60 चलता है तो कुल मिलाकर 100% के हिसाब से ये 20 का अंतर हुआ। आप सबका भी अध्ययन किया जाए आपके माइंड का, तो इन 20 के अंतर में ही सभी का माइंड आने वाला है। किसी में 18 का अंतर होगा, किसी में 15 का होगा, किसी में 10 का होगा, 7 का होगा। आइडियल पोजीशन है कि 0 अंतर हो, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं। जिनके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा अंतर होता है, मैंने कहा वो एबनॉर्मल होते हैं, या तो वो पागल होते हैं या वो विशेष होते हैं। जो लेफ्ट माइंड है हमारा,
का हिस्सा है वो हमारे ड्राइंग, म्यूजिक, सॉफ्ट स्किल्स, इनको समझता है। तो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग किया है उनके ऐसे ही माइंड के डिफरेंट के कारण, अंतर के कारण से ऐसा हुआ है। रामानुजन की बात आपको बताई थी, एक बहन ने शायद बताई थी कि मैथ्स के अतिरिक्त और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे विषय में फेल हो गए थे, क्योंकि उनका जो माइंड राइट हिस्सा था वो उतना काम नहीं करता था जितना लेफ्ट काम करता था। इसलिए उनकी माइंड जो शार्प था वो मैथ पे था, लॉजिक पे था। हम लोग ऐसे नहीं है, हम सारे विषयों में पास होते हैं, आचार्य जी भी पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं सारे सभी सब्जेक्ट में बराबर बराबर अंक आए, अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन आप में से आप सबके पास अनुभव होगा, किसी को मैथ बहुत खराब लगता होगा, किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता होगा, जिसका मन करता होगा कि मैं मैथ के अलावा कुछ नहीं पढ़ूं। तो इस सामाजिक रूप से हम जब रहते हैं तो हमारा अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है जिसका सब विषयों पे कमांड हो, सब विषय उसको अच्छे लगे, सब विषय पढ़ने में उसकी रुचि हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा, बराबर एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, कुछ अलग करिए, कुछ क्रिएटिविटी करिए, दोनों माइंड सहायक होंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकतर दाएं से लिखते हैं, कभी बाएं से लिख के देखा? यदि आप दोनों हाथ से बराबर बराबर लिखने लगेंगे तो मान सकते हैं कि आपका माइंड दोनों 50-50 पहुंच गया है। आप सामान्य रूप से काम करते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी उसको पलट कर देखिए, आप जब चलते हैं तो एक पैर आगे निकलता है, दूसरा हाथ आगे निकलता है, कभी दोनों एक साथ निकाल कर देखिए तो माइंड चलेगा। आप योग करते हैं, आचार्य जी योग कराते होंगे, पीटी वगैरह कराते होंगे, तो सामान्यतः दोनों हाथ एक साथ चलते हैं। आप इसको अंतर करके देखिए, एक हाथ को ऐसे करिए, एक को ऐसे करिए, तो इससे माइंड चलेगा, सोचना पड़ेगा, बाद में करना, अभी मत करिए। रामानुजन के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपको दी है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं दो प्रसंग उनके सुना देता हूं, हो सकता है आपने सुने होंगे। जीएच हार्डी का नाम आया था कैम्ब्रिज में, वो जब गए थे, एक दिन रामानुजन बीमार हो गए, उनको देखने के लिए हार्डी आए थे, टैक्सी करके आए थे। ध्यान में आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, ऐसे चर्चा में बातचीत में उन्होंने कहा कि टैक्सी से आया था मैं, बोले अच्छा उसका नंबर ध्यान में है, बोले हाँ है तो ध्यान में, लेकिन बहुत बोरिंग नंबर था 1729। तो रामानुजन ने कहा ये तो इतना इंटरेस्टिंग नंबर है, आप इसको बोरिंग कह रहे हैं? बोले कैसे है, बोले इस संख्या की ये खासियत है कि केवल चार अंक हैं जिनका क्यूब करने से, दो जोड़े में उनका घन करने से, क्यूब करने से वही संख्या आती है। उनका कैसे, बोले 1 cube and 12 cube दोनों का प्लस कर दीजिए यही संख्या आ जाएगी। कहा ना गणित के जादूगर थे, वो गणित के मैजिशियन थे, एक प्रकार से उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा थी गणित को लेकर। उनका दूसरी संख्या कौन सी, बोले दूसरी संख्या है 9 and 10, आप 9 का क्यूब कर दीजिए, 10 का क्यूब कर दीजिए, वही संख्या आ जाएगी 1729। रामानुजन की कोई गहरी दोस्ती ज्यादा किसी से नहीं थी, किसी ने पूछा कि आप दोस्ती नहीं करते, आपका कोई है फास्ट फ्रेंड नहीं है, आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, तो
तो रामानुजन ने कहा कि अच्छा दोस्त मिलता नहीं ना मुझे, मिला होगा तो मैं कर लेता। बोले अच्छा अच्छे दोस्त की क्या पहचान है? बोले अच्छे दोस्त की पहचान है, सीखनी है तो समझो 220 और 284 को, 220 284। वो ऐसे ही अंकों में बात करते थे, रामानुजन की यही खासियत थी। उनका कैसे? बोले देखो 220 का अगर आप फैक्टर करेंगे, अभी दृश्य दिखाया था फैक्टर करने वाला, उसने बताया था कि तो ऐसे ही उन्होंने कहा आप फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 11, 44, 55 और इनको यदि जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी संख्या 284। अब उनका 284 के फैक्टर करेंगे 1, 4, 71, 141, इसको टोटल करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। तो मित्र ऐसा चाहिए जो नहीं होने के बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। 284 में 220 नहीं है लेकिन फिर भी छुपा हुआ है, ऐसे 220 में 284 छुपा हुआ है। तो ये उनकी उस प्रतिभा से, उनके उस कार्य से हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें तो आज के इस गणित दिवस को मनाने की सार्थकता हो। December 22, 1666 है किसी के ध्यान में? December 22, 1666 एक और महापुरुष का जन्मदिन है और वो महापुरुष हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। वो महापुरुष जब उसकी आयु 9 वर्ष की होती है, कुछ सहायता लेने के लिए उसके पिता के पास लोग आते हैं कि औरंगजेब से हमारी रक्षा करिए, तो उसके पिता कहते हैं कि ये रक्षा ऐसे नहीं होगी, किसी को बलिदान देना होगा। वो 9 वर्ष का बालक कहता है पिताजी आपसे ज्यादा और कौन होगा जो अपना बलिदान दे सकता हो। उन्होंने धर्म के लिए बलिदान किया उनके पिता ने, जब बड़े हुए तो उन्होंने उस काम को संभाला और उस औरंगजेब से मुकाबला करते करते, उसके आतंक को समाप्त करते करते अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया। दो छोटे छोटे जो सबसे छोटे पुत्र थे उनको कहा कि अपना धर्म बदलो अन्यथा तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे जिंदा। उनको दीवार में चुनवाया गया, जब ईंटों से उसके सिर ढकते जा रहे थे तो छोटे वाले की जब, क्योंकि वो उसके कद छोटा था लंबाई कम थी, उसके सिर के पास जब ईंट आने लगी चिनाई वाली तो बड़े की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने पूछा भैया क्या डर गए? उसने कहा डरा नहीं हूं लेकिन मेरी आंख में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इस धरती पर जन्म मैंने पहले लिया और बलिदान तू पहले हो रहा है। हम उस परंपरा के लोग हैं। अजीत सिंह जुझार सिंह नाम के 2 बालक युद्ध में लड़कर मारे गए, जिसने अपने पिता को खो दिया, अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया इस देश के लिए, ऐसे गुरु गोविंद सिंह उनका आज जन्मदिन है। पटना साहिब में जिनका जन्म हुआ था। और ये जो सप्ताह हमारा है इस समय 22 से लेकर 20 से लेकर 26 तक का, इस पूरे सप्ताह के अंदर ये सारे बलिदान हुए थे। वो जो छोटे बालक जिनकी घटना मैंने आपको बताई थी कि दीवार में चुनवा दिए गए थे, वो दिन था 26 दिसंबर का। असली अभी पिछले शीघ्र ही सरकार ने उस 26 दिसंबर को घोषित किया है वीर बाल दिवस।
जब बाकी लोग क्रिसमस की खुशी मनाते हैं, अब भारतवर्ष के लोग ऐसे उन सबके बलिदान को याद करते हैं, तो ये भी हम सबकी स्मृति में रहे। आज ऐसी इन दो तीन बातों की चर्चा करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सराहना किया, यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ भारत माता की जय।